कुछ चले हैं भैया, ले गए कुछ भैया भैया परौंठे की तरह की भैया मैं परौंठा ही बना रहा हूं, पकड़ के भाई आप व्यू देख सकते हो। वन टू थ्री एक्शन। गोवा में फिफी आइलैंड ढूंढा भाई ने। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है मेरा कुछ लुक, साड़ी वाला, हाथ में ये, कानों में ये। दिस इज माय लुक फॉर टुडे। अभी सुमेश की लुक उनकी फाइनल नहीं हुई है, उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो वो उसको सेट करने गए हैं। और अभी हम हैं जहाँ शूट करने आए, वहाँ पे बहुत ही प्यारी, बहुत ही लवली डेकोरेशन हो रखी है क्रिसमस की। मतलब मज़ा आ गया क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे आके। वैसे क्राउड तो है हमें मिला, बट स्टिल अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का स्पेशल ओकेज़न होता है, तो काफ़ी बिल्कुल जैसे अपने यहाँ दिवाली वाला माहौल होता है वो माहौल यहाँ पर है। तो मज़ा आ रहा है हमें, काम करते हुए भी इंजॉय भी हो रहा है, साथ में शूट भी हो रहा है, और बहुत प्यारी फोटोज आ रही हैं जो आपको बाद में दिखने को मिलेंगी, क्योंकि वो हम अभी रिवील नहीं करने वाले। और वो देखो, दिस इज सुमेश की लुक। हम दोनों ने सेम कलर पहना है, जिठो कार्बन कॉपी। वाह, देखो आप मेरे डिजाइनर हो, आपने मुझे जो दिया हमने पहन लिया। तो हम क्या ना, हम जो ये सेलिब्रिटी बड़े लोग होते हैं ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ये जो दे देते हैं हमारे छोटे मोटे मतलब जो होते हैं, हमने वर्क करा इस ड्रेस अप की डिजाइनर मैं खुद हूँ। हमने खुद इसे प्लेन कपड़ा लेके डाई करवा के कस्टमाइज करवाया पूरा का पूरा, एंड आई थिंक इसमें फोटोज बहुत अच्छी आने वाली हैं। आई होप। तो चलो हम पहले शूट करते हैं, चलते हैं क्योंकि टाइमिंग थोड़ा लेट हो जाता है, कहीं कोई आ जाए तो दिक्कत। चलो चलो चलो। यहाँ पे पूनम जी के सोलो शॉट लिए जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत। और मेरे भी अभी कुछ शॉर्ट्स हो गए हटे हैं, और अभी मेरा फिर से मूड हो गया कुछ पीने शीने का पानी। वाह जी वाह। हाँ जी, हनी जी, क्या हाल है जी? चले हैं भैया, ले गए कुछ भैया भैया परौंठे की तरह की भैया मैं परौंठा ही पकड़। तो दोस्तों, अभी हमने रोड साइड से सस्ता सा 100 रुपए का चश्मा खरीदा है, क्योंकि मैं पिछले 15 दिनों में 2 चश्मे अपने खो चुका हूँ ब्रांडेड। तो मैंने देख लिया, अब मैं कोई भी अपना गोगल्स 400-500 से ऊपर का लेने का नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खोता हूँ। तो ये ठीक है, 100 रुपए का पहनो, एक दिन में गुम हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तुम हो खोती। तो ये ठीक है भाई, सस्ता सौदा लो, सस्ता लो, अगर खो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कलरफुल हाउसेज, और हम ऐसे ड्रेस पहने से बाली आए हुए हैं, और इस लड़की ने मुझे ज़बरदस्ती, देखो ये भी जैसे मैंने पिछला ड्रेस दिखाया, ये भी इन्होंने मुझे ऐसे ज़बरदस्ती दिलाया जो कि खुला डूला है। डिजाइनर बाय वन एंड ओनली। मैं सोच रहा हूँ पूनम, क्यों ना हम घर जाते शादी के बाद एक बढ़िया सा शोरूम खोलते हैं, तुम्हें एज ए डिज़ाइनर इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोगों के सामने। लिटरली मेरे अंदर इतना टैलेंट है ना, घमंड नहीं किया मैंने कभी। भाई साहब थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? चलो चलते हैं भाई। यार हमारे यार कैमरा मैन बुला रहे हैं, हमें डायरेक्टर बुला रहे हैं, तो हमें निकलना पड़ेगा। भाई यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, और ये देखो गाइस, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है नो फोटोग्राफी, यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट लोग करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली लोगों के घर हैं एंड दे गेट इरिटेटेड व्हेन एनीवन फोटोज शूट करते हैं यहाँ पे। तो अभी हम चुप रह के काम करने वाले हैं। तो हमारा इस ड्रेस का भी शूट ऑलमोस्ट डन हो गया है, और हम उस लोकेशन पे गए थे जहाँ वो कलरफुल से हाउसेज हैं एंड ऑल, पर थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया क्योंकि ना आई मीन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी तुम लोग यहाँ आगे प्रोवाइड करो, क्योंकि यहाँ के लोग आई थिंक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि बहुत से लोगों ने, क्योंकि वो घर हैं लोगों के ना, तो लोग इरीटेट होते हैं जैसे बाहर कोई अगर फोटोज बना रहे हैं वीडियोज़ बना रहे हैं तो उनका घर आ रहा है बैकग्राउंड में, तो उनको इस चीज़ से इरीटेशन होती है। तो इस चीज़ करके मतलब उनका रिस्पांस अच्छा नहीं होता, जब हम शूट कर रहे थे उनको ऐसा था अभी जाओ प्लीज़ डोंट शूट हियर ऐसा ऐसा, तो मूड ऑफ हो गया। फिर हमने इतना ज़्यादा कैप्चर भी नहीं किया वहाँ, बट थोड़ा बहुत किया क्योंकि वैसे तो हम आराम से ही कर रहे थे बिल्कुल साइलेंट होके, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, बट चलो कोई बात नहीं,
अभी हम नारियल पानी पी रहे हैं, थोड़ा दिमाग को सेट कर रहे हैं, उसके बाद मलाई वाला। शुक्रिया। मलाई वाला खाओगे ना? हाँ हाँ, मलाई निकलवा के बाद ठीक है, नारियल पानी पीते हैं। भाई टैनिंग हो रही है गंदी, गोवा आओगे तो भाई सनस्क्रीन जरूर लेके आना, यहाँ से खरीद लेना भाई, बहुत गंदी टैनिंग है। मेरा फेस देखो कितना भयंकर काला मार रहा है, बहुत गंदा टैनिंग हो गया, हम काले रंग काला हो गया वे सजना, पहले ही सीखा भी मैगी का जेट ब्लैक। तो हमने लंच वंच कर लिया है और हम जा रहे हैं हमारी अगली लोकेशन पर, जो की है अगेन ए बीच गोवा, इट्स इन साउथ गोवा। तो बहुत लंबा ट्रैवल हो गया, काफ़ी टाइम हो गया हमें चले हुए और बहुत दूर है, बट आज का अच्छा ये रहा कि आज हमने अर्ली मॉर्निंग शूट स्टार्ट कर दिया, मतलब 8:15 बजे हमने शूट स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण हम ऑलरेडी चार से पाँच लोकेशन कवर कर चुके हैं, चार लोकेशन हम कवर कर चुके हैं। तो यही है बेस्ट सजेशन, अगर आप कभी गोवा आते हो तो अर्ली मॉर्निंग अपना प्री वेड वगैरह शूट अगर आप कर रहे हो तो स्टार्ट करें, बिकॉज लेट होने पे एक तो हर जगह क्राउड हो जाता है, सेकेंडरी थिंग सनलाइट इतना ज़्यादा होता है दोपहर में, आईज ही नहीं खुलती हैं। हमने एक जगह सनलाइट पे शॉट लिया तो गोगल्स पहन के दोनों ने लिया, क्योंकि आईज ही नहीं ओपन हो रही थी वहाँ पे ना। बस यही है, बाकी अपना सारा सेटअप बनाओ कि आपको कब कहाँ कौन सी लोकेशन पे जाना चाहिए, वरना तो आप एक जगह पर अटके रह जाओगे, जो हमारे साथ कल हो रहा था, बट आज का ठीक है। तो अभी जा रहे हैं हम अपनी अगली लोकेशन पर, बाकी थकावट बहुत हुई पड़ी है क्योंकि सुबह भी ड्राइव करते करते भी नींद आ रही है, रात को 4 घंटे ही सो पाए हैं सिर्फ, है ना, 12:30 बजे के करीब सोए हैं, मैं 12:30 बजे सोई हूँ, उसके बाद सुबह 5 बजे ही उठ गई थी मैं तो। कल Just look at this view, guys. This is Umesh, Harsh Chaudhary. Guys, आराम से उतरो, गिर भी गए ना सीधा अंदर हो। भाई, I'm telling you, pre-wedding करवाना is a task. Truly a task. इतना difficult है ना इस location पे आने में, हमारी वाट लग गई वाट। क्यों भाई, बहुत भयंकर जगह थी ये, ऐसे ऐसे पत्थरों से होते हुए हम वहाँ गए थे जब मैंने वो शॉट लिया था, और अब हम उसी पत्थरों से होते हुए यहाँ तक आए हैं, और अभी हमें ऐसे ही चलते ऊपर जाना है। भाई, एक अच्छी लोकेशन पर पहुँचना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। इज्जत इसकी इज्जत मैंने पहन ली क्योंकि मेरी शक बहुत हैवी थी, तो मैंने वो उतार दी और इससे इसके कपड़े ले लिए। भाई आप व्यू देख सकते हो, 1 2 3 एक्शन। गोवा में फिफी आइलैंड ढूंढा भाई ने, टेबल पॉइंट यार, लोकेशन बहुत प्यारी है यार। आज तो हम पहुंच चुके हैं फिफी आइलैंड, गोवा का फिफी आइलैंड कराबी में आ चुके हैं। आपके हाथ में मॉडल भी है, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया, मतलब लेके आ गए थाईलैंड फाइनल। देखो भाई, बोला था चलेंगे, जो शॉर्ट्स नहीं मिले फिर आना ही पड़ना था यार, क्या करें जी। यहाँ शॉप पे चल दी फिर से, और यहाँ पे भी बहुत प्यारी किट है, काटेंगे तो कुछ नहीं कहते। वाओ, यू आर सो स्वीट। तो रात के टाइम इनके अभी ये तो उठा लिया हमने यार, कुछ भूख लग रही है, पर देखते हैं समझ आ रहा है। बाकी मैं नींदों में हूँ, मतलब बहुत जल्दी उठी थी और मुझे इस वक्त ऐसा हो रहा है मैं गिर जाऊँ, और हम ना ऐसे ही मतलब वॉक करते करते बहुत दूर तक आ चुके हैं, और होटल बहुत दूर है, और अभी पैदल जाना पड़ेगा, मेरे को डर लग रहा है, मतलब मैं कैसे जा पाऊँगी। तो व्लॉग में आने का दिल कर रहा तो ले लेते हैं। पूनम फोटो शूट करवाना चाहती थी लेकिन ये कैमरे की तरफ ही नहीं देखती है छोरी, एक रही तो मार्केट में इतना ज्यादा घूमने फिरने के बाद भी हमने खाना जोमेटो करा है होटल में, और मैंने कल की पैकिंग कर ली है सारी, जो जो ड्रेसेस लेके जानी है क्योंकि हम एक बार में ही होटल से निकलते हैं, पर अब आज तो एटलीस्ट मुझे 4 से 5 घंटे की नींद आ जाए, बिकॉज कल भी सुबह 8 बजे लोकेशन पर पहुँचना है, मतलब एटलीस्ट 6 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि फिर नहाना, तैयार होना, ब्रेकफास्ट करना,
सारा सामान रखना, फिर भी कुछ मिस हो रहा हो तो लग जाता है इतना टाइम। तो ठीक है, अभी खाना खाते हैं और सोते हैं, बाकी कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।